नमस्कार, मैं गुनगुन और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। एनसीपी में टूट के बाद पहली बार मंच साझा करेंगे पीएम मोदी और शरद पवार, अजीत पवार भी साथ आएंगे नजर। एनसीपी में टूट के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के कार्यक्रम में एक मंच पर नजर आएंगे। पुणे में 1 अगस्त को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेगा। पीएम मोदी को यह पुरस्कार नागरिकों में देशभक्ति की भावना जगाने और देश को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने के लिए दिया जा रहा है। तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष रोहित तिलक ने कहा कि यह आश्चर्य वाली बात है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे भी मौजूद रहेंगे। चाचा से बगावत के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच पर शरद पवार और अजित पवार आमने सामने होंगे। विपक्षी दलों की बैठक से पहले सोनिया गांधी आयोजित करेंगी डिनर, आपको भी किया आमंत्रित। अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की दूसरी बैठक 18 जुलाई को हो रही है। इस बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के भी शामिल होने की संभावना है। बताया जाता है कि इस बैठक से पहले सोनिया गांधी ने सभी विपक्षी दलों को डिनर पर आमंत्रित किया है। इसमें आम आदमी पार्टी को भी न्योता दिया गया है। डिनर के आयोजन को विपक्षी दलों को एकजुट करने और विपक्षी एकता को और मजबूत करने की दिशा में बड़े प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले बिहार की राजधानी में पटना में हुई विपक्षी दलों की पहली बैठक में 15 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया था। विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में 8 नई पार्टियां भी शामिल हो सकती हैं। इनमें MDMK, KDMK, VCK, RSP, AIFB, IUML, केरला कांग्रेस जोसेफ और केरला कांग्रेस मनी शामिल है। वहीं KDMK और MDMK 2014 में ही BJP के साथ गठबंधन में शामिल थीं। रणनीतिक मोर्चों पर चीन की बड़ी तैयारी, बना रहा ड्रोन की स्पेशल ब्रिगेड। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि चीनी सेना रूस यूक्रेन युद्ध के आधार पर अपनी रणनीति तेजी से बदल रही है। यूक्रेन युद्ध में बड़े पैमाने पर ड्रोन के इस्तेमाल को देखते हुए चीन ने ड्रोन की स्पेशल ब्रिगेड बनाने पर काम शुरू कर दिया है। हाल ही में चीनी सेना ने हेबेई प्रांत में ड्रोन से युद्धाभ्यास भी किया है। इसमें ड्रोन और रडार की मदद से पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी टैंक मिसाइलों का मुकाबला किया गया है, जिसमें चीनी सेना अपने जवानों को ड्रोन के हमले करने और ड्रोन हमलों से बचाव की ट्रेनिंग भी दे रही है। चीनी सेना रूसी सेना से यह भी सीख रही है कि ऐसे हालात का मुकाबला किस तरीके से किया जाए जिससे कम से कम नुकसान हो। बीजिंग स्थित थिंक टैंक के चेनमिंग का कहना है कि PLA रूसी सेना के अनुभवों से बहुत कुछ सीख रही है और विशेषकर ड्रोन के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण ले रही है। रूस के खिलाफ महासेना बना रहा पोलैंड, 15 अगस्त को करेगा शक्ति प्रदर्शन। रूस से खतरा मानते हुए पोलैंड अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है और आगामी 15 अगस्त को सशस्त्र बल दिवस पर भव्य परेड का आयोजन कर शक्ति प्रदर्शन करने की योजना बना रहा है। पोलैंड के रक्षा मंत्री मारिसस ब्लाज्ग ने कहा कि परेड में अत्याधुनिक सैन्य उपकरण पेश किए जाएंगे। वर्ष 2018 के बाद यह पहली बार है कि जब सैन्य परेड राजधानी वारसा में आयोजित की जाएगी। इस परेड की शुरुआत 1919 से सिलेसियन विद्रोह में सिलेसिया के निवासियों की भागीदारी का सम्मान करने के लिए शुरू हुई थी। दरअसल नाटो के सदस्य पोलैंड की सीमा के पास रूस का परमाणु अड्डा कैलिनिनग्राद है और यहीं पर रूसी नौसेना के उत्तरी बेड़े का मुख्यालय भी है। ऐसे में पोलैंड को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। उत्तर कोरिया में बड़ा खाद्य संकट,
पर महंगी शराब और सिगरेट पर अरबों रुपए बहा रहे तानाशाह। उत्तर कोरिया में गहराते खाद्य संकट के बीच इन दिनों देश के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के शाही खर्चों की चर्चा हो रही है। किम जोंग उन महंगी शराब, खास सिगरेट और विदेशी मीट पर अरबों रुपए उड़ा रहे हैं। ब्रिटेन के एक रक्षा विशेषज्ञ ने दावा किया है कि तानाशाह किम जोंग उन ब्लैक लेबल स्कॉच विस्की और हेनेसी ब्रांडी पीना पसंद करते हैं, जिसकी एक बोतल की कीमत $7,000 तक होती है। उत्तर कोरिया में हाई क्वालिटी शराब आयात करने पर हर साल $30 मिलियन खर्च होते रहे हैं। किम जोंग उनके पूर्व सुशी शेफ ने कहा कि किम और उसके पिता अक्सर दुनिया में सबसे महंगा कोबे स्टेक और क्रिस्टल चैंपियन एक साथ लेते थे। तानाशाह ब्राजील की कॉफी पर एक साल में करीब $9,68,000 खर्च करता है। इसके अलावा किम जोंग उन यवे सेंट लॉरेंट ब्लैक सिगरेट पीते हैं, जो सोने की पन्नी में लिपटी हुई आती है। सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग देने वाली देश की पहली माइक्रो एसयूवी बनी हुंडई के एक्स्टर, टाटा पंच के लिए पेश की चुनौती। हुंडई ने एक्स्टर लॉन्च कर ऑटोमोबाइल बाजार में माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में राज कर रही टाटा पंच के लिए चुनौती बढ़ा दी है। हुंडई की एक्स्टर में कई ऐसे फीचर्स हैं जो प्रीमियम कारों में भी कम ही देखने को मिलते हैं। कंपनी ने अपने ग्राहकों की सेफ्टी को देखते हुए एक्स्टर के सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग दिए हैं, यानी बेस मॉडल में भी 6 एयरबैग मिलेंगे। हुंडई एक्स्टर की शुरुआती ₹5.99 लाख एक्स शोरूम से शुरू होती है और इसका टॉप वेरिएंट ₹9.31 लाख में उपलब्ध होगा। एक्स्टर में 10 से ज्यादा फीचर्स ऐसे हैं जो इस सेगमेंट की कारों में पहली बार देखने को मिलेंगे। अपने सेगमेंट में एक्स्टर ऐसी कार होगी जिसमें पहली बार डैश कैम मिलेगा। इसके साथ ही डुअल कैमरा भी दिया गया है, जबकि वॉइस कमांड के साथ इलेक्ट्रिक सनरूफ कार का स्टैंडर्ड फीचर है। टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी ने खरीदी 1.29 करोड़ की कार, परिवार के साथ की पूजा अर्चना। टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी ने करीब 1.29 करोड़ रुपए की मर्सिडीज GLE कार खरीदी है। अर्जुन ने सोशल मीडिया पर अपनी इस नई कार का वीडियो शेयर कर खुद ही जानकारी दी है। वीडियो में अर्जुन बिजलानी अपने परिवार के साथ मर्सिडीज GLE कार को अनरैप करते और पूजा करते दिख रहे हैं। पूजा के बाद उन्होंने मिठाई भी बांटी है। अर्जुन ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गणपति बप्पा मौर्या, आप सभी की दुआओं के लिए भी शुक्रिया, ये मेरे लिए काफी मायने रखती हैं। इस पर श्वेता तिवारी, अली गोनी, माही विज, निया शर्मा जैसे कई सेलिब्रिटीज ने अर्जुन को बधाई दी है। अर्जुन बिजलानी ने 2004 में टीवी शो कार्तिका से एक्टिंग डेब्यू किया था। इस शो में उनके साथ जेनिफर विंगेट लीड रोल में थी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।